हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं चेक योर प्रोग्रेस 8.5 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। रमा बोरो रुपीज 14,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सी रिटेन द मनी आफ्टर 2 ईयर। हाउ मच डिड सी पे बैक टूगेदर ऑल टूगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है, टाइम है। तो सिंपल हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आता है उसमें आप पुट करिए, इसको इंटरेस्ट निकालिए और फिर अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, उसमें आप जोड़ दीजिए। तो ये रहा अमाउंट कितना, 16,240 रुपया रमा को देना पड़ेगा। ठीक है ना, सी रिटर्न द मनी आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, हाउ मच सी पे बैक ऑल टुगेदर, कितना रुपया, 16,240। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूँ, रमा कितना रुपया उधारी ली, 14,000 रुपया उधारी ली। ठीक है, कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 14,000 का 8% उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कितना साल के बाद वो पैसा रिटर्न कर रही है, 2 साल के बाद रिटर्न कर रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल आई का जो फॉर्मूला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एस आई का जो फॉर्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुट करने से कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपका 14,000 था, 14,000, रेट 8% था और टाइम 2 ईयर था। इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, तो हम लोग के पास कितना आया, 140 और 8 2 16, इसको आप इंटू करिए तो कितना आएगा, 22,240, 2,240। ये क्या निकला, ये इंटरेस्ट निकला। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब जितना पैसा हम लोग उधारी लिए थे, ठीक है, और साथ ही साथ जितना इंटरेस्ट बना है, जैसे कितना इंटरेस्ट बना भी, 2,240 रुपया, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। और क्वेश्चन में वही बोला जा रहा था, हाउ मच डिड सी पे ऑल टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। रमेश डिपोजिट रुपीज 15,600 इन ए फाइनेंशियल कंपनी। मतलब कि रमेश क्या कर रहा है, एक कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। रमेश एक बंदा है जो कि एक कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ पैसा बोलने से कितना, 15,600 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। और कंपनी जो है वो 8% का हिसाब से वो इंटरेस्ट देती है, पर एनम का मतलब होता है ईयरली। ठीक है, तो 3 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर में, कितना साल में, 3 साल में, ये निकालना है। तो सिंपल है, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो आई का फॉर्मूला में पुट करिए और इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको मिलेगा 3,744। ठीक है, तो थर्स्ट इन 3 ईयर ही विल रिसीव 3,744 रुपीज एज ए इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। नवीन लेंट रुपीज 25,000 टू हिज टू फ्रेंड। ठीक है, ही गेव, मतलब देखिए नवीन कोई बंदा है और ये अपना दो दोस्त को पैसा उधारी दे रहा है। बहुत रिस्क का काम है दोस्त को पैसा उधारी देना, बट ये दे रहा है बंदा। एक तो टोटल मनी इसके पास कितना है, 25,000 है, और ये 25,000 में क्या किया, एक बंदा को 10,000 दिया, तो दूसरा बंदा को कितना देगा, रिमेनिंग बोला गया है। तो 25,000 से अगर आप 10,000 निकाल ले तो बचा कितना, 15,000। तो एक को 10% के हिसाब से दिया 10,000 और दूसरा को 12% के हिसाब से दिया 15,000। और दोनों को कितना समय के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है। दोनों को कितना समय के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग ये एक प्रिंसिपल, ये एक रेट और ये एक टाइम, इससे हम लोग एक आई कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और फिर यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक रेट है हमारे पास और एक टाइम है, इससे भी हम लोग एक इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे
तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट ये रिसीव करने वाला है नबीन वो निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट रेंट, पहला तो उसको कितना दिया, 10,000, 10% 2 साल, तो आई में पुट करेंगे और इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2,000 निकल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा फ्रेंड का निकालेंगे तो दूसरा फ्रेंड को कितना दे रहा है, 15,000, 12% 2 साल। इस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3,600 रुपया। अब दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,600 रुपया। दैट मीन्स नवीन को कितना मिलेगा, 5,600 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालनी डिपॉजिट ₹29,000 इन ए फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस कंपनी फॉर 3,000 एंड ही रिसीव। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सालनी जो थी वो एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट की, कितना पैसा इन्वेस्ट की, वो 29,000 रुपया इन्वेस्ट की है, 29,000 इन्वेस्ट की, और उसको रिटर्न बैक कितना साल में, 3 साल में उसको रिटर्न बैक टोटल पैसा, मतलब उसका जो पैसा लगा था और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट था मिला के उसको मिल रहा कितना है, 38,570 उसको मिल गया, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है कि ये जो पैसा मिला है तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट जो था वो कितना रेट पे कैलकुलेट किया गया है, कितना रेट पे, दैट मींस रेट निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी है अगर, बट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो जो बचेगा रकम वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालने का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे और उसके बाद में हम लोग रेट कैलकुलेट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए रेट कितना निकलेगा, 11% निकलेगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे इसको, तो आपका यहाँ पे 11 आएगा। दैट मीन्स उसको वो जो फाइनेंशियल कंपनी था वो कितना परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा था, 11% का इंटरेस्ट दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मच टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 2/5 ऑफ द सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ये वाला देखिए, यहां बोला जा रहा है कि कुछ पैसा है और इस पैसे को अगर 10% के हिसाब से मार्केट में छोड़ा जाए तो कितना समय बाद, मतलब कितना टाइम के बाद में इसका इंटरेस्ट 2/5x हो जाएगा। 2/5 मतलब ये जो भी पैसा होगा इसका कितना भाग इंटरेस्ट हो जाना चाहिए, 2/5 भाग। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए मान लेते कि 100 रुपया है, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट, 100 रुपया है। तो इस प्रकार से रेट तो दिया गया है 10% और इंटरेस्ट में क्या कहा गया था, 2/5 भाग प्रिंसिपल अमाउंट का, 2/5 पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग 2/5 × 100 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। बस अब हम लोग टाइम का फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, टाइम इक्वल टू I × 100/P × R। तो इसमें पुट करने से देखिए टाइम निकल जाएगा 4 साल, मतलब कितना साल लगेगा इसको इतना होने में, 4 साल लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन 5 ईयर। अब ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है तो इसको इसका 1/2 इंटरेस्ट होने में, मतलब आधा भाग इंटरेस्ट होने में अगर 5 साल के लिए छोड़ दिया जाए, कितना साल के लिए छोड़ दिया जाए, 5 साल के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसको इंटरेस्ट इतना चाहिए तो कितना रेट में इसको छोड़ेगा, तब होगा रेट निकालना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 50 होगा। अब यहाँ पे हम लोग रेट निकालने का जो हम लोग का फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे रेट निकल जाएगा, रेट कितना हो रहा है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ मनी अमाउंट ₹12,000 इन 3 ईयर एंड टू 1430 इन 6 ईयर
एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम ऑफ द सम एंड द रेट। मतलब देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए, बोला जा रहा है कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट था, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट था, तीन साल में कितना हो गया, तीन साल में मार्केट में उसको छोड़ा गया तो वो हो गया 1265 1265। और 6 साल का बाद वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1430। तो ये अमाउंट हमारे पास दिया गया और हम लोगों को निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट और रेट, ये दोनों चीज हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन साल का हमारे पास क्या अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अमाउंट हमारे पास था कितना, अमाउंट था 1265 रुपया। कितना साल का अमाउंट था, ये तीन साल का अमाउंट था 1265 रुपीज। कितना साल का ये अमाउंट, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट है ना, हाँ, तो अमाउंट ये कितना साल का था, तीन साल का था, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया पी प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला में, यहाँ टी का जगह में हम लोग तीन लिख दे रहे क्योंकि ये तीन साल का है। उसके बाद में इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन वन पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी प्रकार से जो 6 साल का पैसा अमाउंट है हमारे पास, तो उसको भी हम लोग इस प्रकार से पुट करेंगे, तो इससे भी एक इक्वेशन फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे तो हम लोग को इस प्रकार से दो इक्वेशन मिल गया ये वाला, इसको समझिए हम लोगों ने क्या किया कि तीन साल का जो अमाउंट था हमारे पास ये, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पी प्लस आई के हिसाब से बैठाया, और आई का जो फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद में जो वैल्यू हमारे पास था हम लोगों ने पुट किया। पुट करने से इस प्रकार से एक इक्वेशन बना, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग के पास क्या वैल्यू आया, हम लोगों के पास 3PR इक्वल टू इतना मिला हम लोगों को, हम लोग को 3PR का वैल्यू मिल गया है 16500। अब हम लोग क्या करेंगे, 3PR का वैल्यू जो था वो हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में। जैसे कि इक्वेशन वन में हमारे पास क्या वैल्यू था, 126500 इक्वल टू 100P प्लस 3PR था। देखिए यहाँ पे इक्वेशन वन ये है, 3PR के जगह में हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए 16500 इक्वल टू 3PR। इसको पुट करने से P का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए P कितना निकल गया, 1100। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास यहाँ पे 3PR का वैल्यू था, 3PR इक्वल टू कितना था, 16500 था, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 16500 बाय 3P। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, P का वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेट करेंगे इसको तो R का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको तकलीफ हो रहा है इसको सॉल्व करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये 7 नंबर का क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड देखिए बहुत सिंपल है, देखिए हमारे पास तीन साल का अमाउंट था, हमारे पास 6 साल का अमाउंट है, ये दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है ना, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, तो 3 साल का निकाल दीजिए, बात को समझिए, एक ही रकम है, प्रिंसिपल जो है सेम है, 3 साल में वो इतना हो रहा है और 6 साल में वो इतना हो रहा है, इनका डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे, तो देखिए 3 साल से 6 साल का बीच में फर्क कितना होता है, 3 साल। तो इस प्रकार से 3 साल पहले ये 1265 था और फिर 3 साल के बाद ये कितना हो गया, 1430 हो गया, तो दोनों का बीच का डिफरेंस जो निकला ये 165, ये क्या मिला हम लोग को, 3 साल का इंटरेस्ट मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास 3 साल का इंटरेस्ट है और 3 साल का अमाउंट है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई होता है, हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट कितना है 3 साल का, 1265 और हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकला, 165, इसको पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पी का वैल्यू आ जाएगा, ये बहुत ही इजी प्रोसेस में हो गया। उसी प्रकार से अब हमारे पास पी है, टी है, इंटरेस्ट है,
तो रेट का फॉर्मूला में पुट करेंगे तो रेट भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे रेट निकल गया, रेट इक्वल टू 5। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। 75,000 इन्वेस्टेड टू 1 ईयर, इतना 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, मगर कैसे इन्वेस्ट किया गया, देखिए तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट किया गया है। 30,000 5%, इसको समझ लीजिए, 75,000 दिया गया है, 75,000 दिया गया है, तो 30,000 को 5% के हिसाब से मार्केट में छोड़ा गया है और 24,000 को 4% के हिसाब से मार्केट में छोड़ा गया है, और बचा हुआ रकम जो है वो पूछा जा रहा है कि उसको कितना परसेंट के हिसाब से मार्केट में छोड़ा जाए कि ओवरऑल जो पैसा है ना इसका 6% उसको इंटरेस्ट के तौर पे मिले, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट पहले हम लोग निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है ही इन्वेस्ट द रिमेनिंग मनी टू गेट 6% इंटरेस्ट, मतलब 6% का इंटरेस्ट चाहिए उसको होल मनी में, पूरा मनी में। ठीक है, तो यहाँ पे 6% होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने 5% लिखा है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, ये ऊपर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका 6% है, कितना है ये आपका 6% है। ठीक है ना, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल देते हैं इसका। तो ऑल ओवर इंटरेस्ट कितना निकलेगा, आप इसको फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे तो 4,500 निकलेगा। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट पूरा रकम कितना था, 75,000, रेट कितना था 6%, टाइम कितना था 1 साल, तो इंटरेस्ट निकला कितना 4,500। उसी प्रकार से 30,000 जो है, जो 30,000 को देगा ये बंदा 5% के हिसाब से, तो उसका इंटरेस्ट कितना निकल जा रहा 1500। 24,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकल जा रहा, ये निकल जा रहा 960। देखिए यहाँ पे उसको कितना इंटरेस्ट चाहिए, उसको इंटरेस्ट चाहिए इतना टोटल, इसको जो हम लोग सॉल्व किए 4,500। तो 30,000 को 1 साल 5% के हिसाब से छोड़ा गया तो उसको कितना मिला 1500 मिला, 24,000 को छोड़ा गया तो उसको 960 मिला, मतलब अभी तक उसको कितना मिल गया है 1500 और 960, तो कितना हो गया ये हो जा रहा है आपका 2460 रुपया मिला है, और उसको कितना चाहिए देखिए यहाँ पे, देखिए इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग 21,000, तो रिमेनिंग 21,000 मतलब क्या है, रिमेनिंग 21,000 मतलब देखिए 75,000 रुपीज में से वो ये दोनों तो इंटरेस्ट में दे दिया 4-5% के हिसाब से, तो ये कितना हुआ 54,000, तो बचा कितना 54,000, 75 से अगर आप माइनस करेंगे, 75 से 54,000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21,000। ठीक है, तो वो था रिमेनिंग पैसा और इसको 1 साल के लिए छोड़ना था, और इंटरेस्ट इसको कितना चाहिए, इसको इंटरेस्ट चाहिए देखिए 4,500 का, अभी तक वो इंटरेस्ट कितना गैदर कर लिया था, वो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़े तो यहाँ पे मिला था हम लोगों को 06 और यहाँ पे कितना हो गया 5 और 9 ये 4 और 4 के बाद यहाँ पे 3 समथिंग कुछ, ये नहीं 2 है, ठीक है ना, तो बस आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ के इससे घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, हम लोग को मिलेगा 2040 रुपया, मतलब 2040 रुपया का इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट कितना पैसा है 21,000 को किस रेट से हम लोग छोड़ेंगे कि इंटरेस्ट मिलेगा हम लोगों को 2040 रुपया। तो बस यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट है, यहाँ पे टाइम है, तो सिंपल आप रेट वाला फॉर्मूला में पुट करिए और रेट निकालिए तो रेट कितना निकलेगा 9/5/7। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, क्वेश्चन सिंपल है, डबल हो जाना चाहिए। बोला गया है कि कुछ अमाउंट है ये कितना साल में, 8 साल में, अगर 8 साल में इसको छोड़ा जाए तो ये डबल हो जाता है मार्केट में, तो इसको 4 गुना करने के लिए, मतलब कि एक्स जो है इसको 4x करने के लिए मार्केट में, यहाँ पे दिया गया है
इन हाउ मच टाइम, तो कितना समय के लिए इसको छोड़ा जाएगा टाइम के लिए ये चार गुना हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए 100 रुपया मान के चलते हैं हम लोग, तो 100 रुपया का हिसाब से सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या हो रहा है। अगर 8 साल के लिए इसको छोड़ा जाए तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट 200 होगा, क्योंकि बोला गया था प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा करके बोला गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट हो गया है 200 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 100 रुपया का इंटरेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे रेट निकालने का फॉर्मूला में, तो देखिए रेट निकल जाएगा 12.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि अगर हम लोग 4 गुना करने के लिए कितना साल के लिए छोड़ा जाएगा, अमाउंट 4 गुना हो जाना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास 100 था और अमाउंट कितना था 400 था, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग पुट कर देंगे टाइम निकालने वाला फॉर्मूला में, तो देखिए यहाँ पे टाइम 24 साल। देखिए इसको फिर से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, कितना पहला क्वेश्चन में बोला था कि 8 साल के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट 100 पकड़ा था, तो 8 साल में क्या बोला गया क्वेश्चन में, सर्टन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। डबल मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा, डबल हो जा रहा, तो 100 का डबल कितना होगा, 200 रुपया हो गया। तो अमाउंट अगर 200 हो गया तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 हुआ। इसको हम लोग पुट किए तो रेट कितना निकला, 12.5% का रेट निकला। अब दूसरा क्वेश्चन में मतलब लाइन में क्या पूछा जा रहा था कि कितना समय के लिए इसको छोड़ा जाएगा कि ये 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो रेट हम लोग निकाल लिए थे 12.5%। अब बोला गया था यहाँ पे डबल, ये वाला चीज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखना है फोर टाइम, क्या लिखना था मुझको, 4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, 4 गुना। तो 4 गुना देखा जाएगा तो कितना हो रहा, 400। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना निकला 400 और प्रिंसिपल कितना था 100, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट हो गया 300। बस अब टाइम निकालने वाला फॉर्मूला में यहाँ पे हम लोग पुट किए तो टाइम निकला 24 साल। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है इन विच केस इज द इंटरेस्ट एंड मोर, मतलब कि 2 ठुक दिया हुआ है प्रिंसिपल, ईयर और टाइम, ए और बी दोनों में, देखिए तो दोनों में किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल है, दोनों में आप इंटरेस्ट निकालिए। देखिए पहले वाला में इंटरेस्ट निकालने जाएगा तो मिलेगा 1000, और दूसरा वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम दिया गया इसको अगर आप पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को, 1200। तो इसका मतलब क्या है कि जो केस बी है उसी में हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।